हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सटेंशन बॉक्स। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और लो बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, यार एक्सटेंशन बोर्ड्स क्यों, हमसे पीओ कंप्यूटर ले लेते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन बॉक्स भी मिल जाए अच्छा सा कोई, क्योंकि यहाँ पे लो मार्केट में तो बहुत सारे लो क्वालिटी के चल रहे हैं, 350 500 हज़ार तक के, वो बिल्कुल सामने थके हुए क्वालिटी होते हैं, उनके जो प्लग होते हैं वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, दो तीन दफ़ा आप उसमें लगाएं या चार पांच दफ़ा लगाएं तो वो लूज़ हो जाते हैं, बाद में वो फिर हिलते रहते हैं, स्पार्क होता है, उससे क्या होता है आपके कंप्यूटर को फ्लक्चुएशन वगैरह हो जाता है, या पावर सप्लाई वगैरह जल जाता है, या तो फिर मदरबोर्ड वगैरह में इशू आ जाता है, कहीं ना कहीं मतलब मसला होता ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड आप लोकल क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है, तो मदरबोर्ड वगैरह में मसला आ जाता है, या तो फिर पावर सप्लाई वगैरह में इशू आ जाता है। तो उस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए लाए हैं हम भाई, एक ये एक्सटेंशन बोर्ड नोकाई कंपनी का है, और फिर एक ये है तो चाइनीज़ ब्रांड है, बाहर के हैं, पर ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हमने काफ़ी बेचे हैं शॉप से, तो मैंने सोचा यार आज मैं इसका भी एक वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि लोग हमसे काफ़ी शिकायत करते हैं कि यार ये मसला हो गया, ये आपने हमसे एक्सटेंशन बोर्ड हमने कहीं से लिया था इसमें ये इशू आ गया, तो मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ कि आप ये एक दफ़ा यूज़ करें, फिर आप हमें बताएं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये एक मार्केट में आया है, एक तो पहले आप ये देख लें नोकाई का, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखें इसमें ये जो स्विच दिए गए हैं ना, ये स्विच जब आप इसको लगाएंगे इसके अंदर होते हैं स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग स्विच कहते हैं इसको, ये खुल जाते हैं अंदर से, और जैसे ही आप स्विच निकालेंगे ये वापस क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नोकाई का है ये, मैक्सिमम 2500 वाट तक सपोर्टेड होते हैं ये, आप इस पे फ्रिज भी चला सकते हैं, मोटर भी चला सकते हैं, आयरन भी चला सकते हैं, बड़े बड़े आप इस पे इक्विपमेंट्स भी चला सकते हैं, क्योंकि बाकी नॉर्मल जो एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं उस पे आप ये हैवी चीज़ें नहीं चला सकते, वो फौरन ही जल जाता है। इसकी जो वायर की जो लेंथ होती है वो होती है 3 मीटर, वायर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, और प्लग भी इसका अच्छा होता है, क्योंकि क्वालिटी वो 2500 वाट तक सपोर्टेड होता है, ठीक है। और ये देखें इन सब में इन्होंने अलग अलग बटन्स एंटिकेशन दिए हुए, लाइट्स भी दी हुई है इसमें, कि अगर आपको कोई स्विच यूज़ करना है तो आप उसको यहाँ से ऑन कर दें, बाकियों को आप ऑफ कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने अगर एक चीज़ यूज़ करना है बाकी अगर सबके स्विच लगे हुए हैं तो फिर वो भी ऑन हो जाते हैं। इसमें इन्होंने पावर बटन सबके अलग अलग मेंशन कर दिए हैं, ये नोकाई कंपनी का 3 मीटर वायर है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको खोल के मैं क्या दिखाऊँ, अनबॉक्सिंग वगैरह आप ऐसे ही देख लें इसकी, और ये इसके स्पेक्स वगैरह भी आप देख लें, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, 250 पावर तो इसमें आती है स्विच में, और ये 2500 वाट तक सपोर्टेड है। इसके प्लग भी आप देख लें, आप इन्होंने मेंशन किए हैं, मैं देख रहे हैं, और बाकी इसका एक और मॉडल है, ठीक है, वो है ये, इसमें देखें ये इन्होंने 5 पोर्ट दिए हुए हैं, और ये USB के इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और फिर ये इसकी भी वायर तकरीबन 3 मीटर के करीब है, इसके भी आप स्पेक्स देख लें, इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं दीवार के ऊपर, ठीक है, ये इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर भी ऑप्शंस होता है दीवार पे होल्ड करने का। इसमें ये होता है कि आप पावर की कोई, अगर आपके पास कोई चीज़, आजकल हर चीज़ की पावर USB से है, तो आप USB से यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, या मोबाइल वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्टेज का कोई ख़तरा नहीं होता भाई, ये अच्छे बोर्ड्स होते हैं, इसमें आप अपने मोबाइल वगैरह भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसमें ये इसके भी यही सेम सॉकेट हैं, ये सेम कंपनी तो नहीं है पर ये कंपनी डिफरेंट है, पहले हमारे पास ये हम सेल कर रहे थे, तो फिर एक ये हमारे पास कंपनी आया, तो फिर सोचा कि इसको भी हम सेल करके देखें तो इसका क्या रिस्पॉन्स है, इसको भी हमने सेल किया, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें वही सेम स्विच वगैरह है, ये भी 2500 वाट तक सपोर्टेड होता है, वाट तक, ठीक है। और फिर एक ये है मेरे पास, ये इसको आप देख लें ज़रा, इसमें भी 4 USB दिए गए हैं, ये तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली तौर पे शॉप पे तकरीबन 2-2.5 साल से, ये बिल्कुल ओके चल रहा है, इसमें कोई इशू वगैरह नहीं हुआ है, ये नहीं कि जल गया या कुछ हो गया, इसके पोर्ट्स भी वर्किंग कंडीशन में है, ये इसमें वही सेम है कि आप इसमें प्लग वगैरह लूज़ नहीं होते, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, आप इसमें जब बिठाएंगे तो ये हिलते नहीं है, इसमें प्लग वगैरह हिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब हिलेगा नहीं तो फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा, स्विचेस वगैरह में आपके कंप्यूटर वगैरह सब सेट चलेगा। इसमें USB पोर्ट 4 पोर्ट दिए गए हैं, आप चारों को यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम भी कर सकते हैं, ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर देते हैं, ये कोई कोई बोलते हैं कि भाई ये फास्ट चार्जिंग है, ये यूं है, नहीं भाई ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर देते हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी के जो और अच्छे बोर्ड्स आते हैं वो फास्ट चार्जिंग वाले होते हैं। ये थे आज का हमारा एक्सटेंशन बॉक्स का,
बाकी अगर आपको मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप हमारी शॉप पे आइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।